वेलकम बेटा टू माय चैनल सो इजी मैथ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप क्लास टेंथ दे माय फर्स्ट 100 डेज नेक्स्ट करांगे जी। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। डे 59 दा क्वेश्चन है बेटा अपने कोल। इहदे च की पूछा होया देखो, द 7 डेज ऑफ वीक आर गिवन, 1 डे सिलेक्टेड फ्रॉम द वीक, वट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट सिलेक्टेड डे वॉज मंडे। देखो बेटा हफ्ते दे विच किन्ने दिन हुंदे, देखो 7 दिन हुंदे ने, एक दिन अचानक चुनिया गया आ, संभावना कढ़नी कि वह दिन की होवे जी, सोमवार मंडे। ठीक है, तो प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला की हुंदा बेटा, फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की गिनती बटा कुल परिणामों की गिनती। इट मीनस इत्थे प्रॉबिलिटी ऑफ ईवेंट किन्नी आ जूगी जी, फेवरेबल आउटकम्स मीनस अनुकूल परिणाम, मंडे दे अनुकूल किन्ने ने जी, किन्ने दिन ने, एक टोटल किन्ने डेज ने देखो 7, तो प्रॉबिलिटी ऑफ ईवेंट किन्नी बन गई बेटा 1/7। इदी सीगा नैक्सट क्वेश्चन जी, यदा ये भी यहीं लिखा होया, द 7 डेज ऑफ वीक आर गिवन, 1 डे सिलेक्टेड फ्रॉम द वीक, वट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट सिलेक्टेड डे वा थर्सडे। ठीक है, देखो बेटा टोटल डेज किन्ने ने, सेम 7, थर्सडे किन्ने ने अपने कोल 1, तो प्रॉबिलिटी ऑफ ईवेंट फेवर च किन्ने हो गए जी 1, टोटल किन्ने ने 7, तो प्रॉबिलिटी ऑफ ईवेंट किन्नी आ गई जी 1/7। नैक्सट है बेटा अपने कोल, किसी फैक्ट्री दे 30 मजदूरों की हफ्ते की आमदन लिखी हुई है, मिलान चिन्ह की वरतों करते हुए बेटा जी अंतराल 800 तो 810 मी 10-10 का डिफरेंस लेंदे हुए बारंबारता सारणी अपने बनानी है। ठीक है जी, यूजिंग टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी टेबल बेटा अपना ड्रा करना है। चलो आप सॉल्व करते हैं बेटे इस क्वेश्चन, इस देखो बेटा जी अपने कोल है क्लास इंटरवल, टैली मार्क्स, मिलान चिन्ह, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। ठीक है, मैंने वैसे उम्मीद है थोड़ा ये आँदी होनी है, फिर भी आप एक बार ट्राई जरूर करांगे जी। दिस वन, ठीक है जी, हुण इहदे विच देखो बेटा अपने कोल की दित्ता होया, मैंने इत्थे अंतराल ड्रा किते हुए ने 800 तो 810, 810 तो 820, 820 तो 830, 830 तो 840, 10-10 डिफरेंस पाया 900 तक। 900 तक क्यों लगता बेटा जी, क्योंकि मेरी हायर वैल्यू वध तो वध की है बेटा 890 तक गई है। ठीक है, जिहड़ी इहदे विच टेबल च गिवन आ। हुण फस्ट है देखो अपने कोल 830 किहदे विच काउंट होगा, 830 तो 840 दे। ठीक है, इस गल का ध्यान रखना, 830 तो 840 तक काउंट होगा ही, मी देखो 800 तो लैके 810, 800 तो लैके 809 तक काउंट हो गए, 810 नैक्सट कॉलम च काउंट होगा। इदी 810 तो लैके 820 मीनस 810 तो लैके 819 तक काउंट करने आप। ठीक है जी, नैक्सट जी मैं 835 ये जी आओ बेटा जी। नैक्सट है अपने कोल 890 निचले दे विच। ठीक है जी, नैक्सट बेटा अपने कोल 810 दिस वन, नैक्सट बेटा अपने कोल 835 दिस वन, 836 दिस वन, 869 दिस वन। ठीक है जी, 845 इन दिस, 898 इन दिस। ठीक है जी, नैक्सट है अपने कोल 890 दिस वन। ठीक है जी, नैक्सट है अपने कोल 820 इन दिस, नैक्सट बेटा अपने कोल 860 इन दिस, नैक्सट है 832। हुण 830 तो लैके 840 दे विच विच आ, ये 4 हो गए ना, तो फिफ्थ बेटा पर टेढ़ी लाइन लगानी है, क्योंकि 5-5 दे बंडल बन गए। ठीक है जी, इदां ही तुसीं बेटा सारे निशाने लगाउंदे जाणा आ। तुहाडे फस्ट कॉलम दे विच 3 आउणगे जी, सैकेंड दे विच तुहाडे कोल 2 आउणगे जी,
थर्ड दे विच तुहाडे कोल वन आएगा बेटा, नैक्सट दे विच तुहाडे कोल नाइन आउणगे, ठीक है जी, नैक्सट तुहाडे कोल फाइव आउणगे, नैक्सट कॉलम दे विच बेटा तुहाडे कोल वन आएगा, नैक्सट कॉलम दे विच तुहाडे कोल थ्री आउणगे, नैक्सट कॉलम दे विच फिर वन आएगा जी, नैक्सट कॉलम दे विच फिर वन आएगा, लास्ट दे विच तुहाडे कोल फोर आउणगे, ठीक है जी। जो तुसीं अगर टोटल करोगे ये थोड़ा कितना आना चाहिए जी, थर्टी, क्लीयर जी, थोड़ा टोटल आ जाऊगा बेटा जी थर्टी, क्लीयर जी। ठीक है बेटा जी, नैक्सट देखो इदी तुसीं बारंबार ते डा सारनी ये ड्रा कर लेनी है। नैक्सट सी बेटा अपने कोल इन दिस, ये तुसीं खुद ड्रा करनी है, ठीक है जी। इच देखो जीरो तो लैके पांच, पांच पांच का डिफरेंस लेना तुसीं ने, ठीक है, जीरो टू फाइव, फाइव टू टेन, टेन टू फिफ्टीन, सो ऑन, ठीक है। तुसीं डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपने आप ड्रा करना है, क्लीयर जी। नैक्सट है बेटा अपने कोल नैक्सट क्वेश्चन से बेटा अपने को डे 61 का, इस अपने ने मध्य मन पता करना है, मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। मीन का फार्मूला की होंगे बेटा अपने को, सम ऑफ ऑब्जरवेशंस, सम ऑफ ऑब्जरवेशंस बटा नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस, ठीक है जी। तेनों पंजाबी की लिखोगे बेटा जी, अंकड़ों का जोड़ पंजाबी लिखांगे बेटा आप, अंकड़ों का जोड़ बटा अंकड़ों की गिनती, ठीक है जी। हुण अपने कोल है फाइंड द मेन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबरस, पहलियाँ पांच अभाज्य संख्यावां दा मध्य मान कढ़ना आपां ने। फस्ट फाइव प्राइम नंबरस कि हुंदे ने जी, टू, फाइव, थ्री, सैवन, इलेवन, ठीक है जी। तो इहदा की करना बेटा आपां ने मीन मध्य मान दा फार्मूला लगाओ, अंकड़ों का जोड़, मीनस टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सैवन प्लस इलेवन, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस किनिया से अपने कोल फाइव, तो ऐड करके बेटा किन्ना गया 28 बाय फाइव, किन्ना आ गया डिवाइड करके 5.6, क्लीयर जी। नैक्सट क्वेश्चन है बेटा अपने कोल, इस देखो मध्य मान अपन गिवन आ, एक्स की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है, सेम यही फार्मूला लगावेंगे बेटा, अंकड़ों का जोड़ बटा अंकड़ों की गिनती, सम ऑफ ऑब्जरवेशंस बट अ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। मीन का सिंबल बेटा आप एक्स बार ना शो करते हैं, क्योंकि मीन एक्स बार ना रिप्रेजेंट किया जाता, किन्ने नंबर्स देखो, वन टू थ्री फोर फाइव, मीनस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस सैवन एक्स प्लस टेन, टोटल किन्ने ऑब्जरवेशन है बेटा जी, ये फाइव। तो मीन की वैल्यू अपन गिवन है, किन्नी गिवन है देखो, नाइन, ठीक है, तो नाइन पुट कर देंगे, एक्स 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 एंड एक्स किन्ने बार आ गई बेटा, ये फाइव टाइम्स, मीनस फाइव एक्स प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सैवन प्लस टेन, इन्हों तीनों ऐड करो बेटा चारा, कि बन गया अपने को 25 डिवाइड बाय फाइव, नाइन बाय वन, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, ये बन गया 5x प्लस 25, 9 इंटू 5 45, क्लीयर जी। तो बेटा 5x की वैल्यू आ गई अपने को 45, 25 राइट साइड जाके माइनस से, तो 5x आ गया अपने को बेटा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 20 बाय 5 4, क्लीयर जी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने को 4। नैक्सट क्वेश्चन है बेटा अपने को,
अपन देखो अंकड़े गिवन ने, डाटाज गिवन ने, अपने मध्यिका फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मीडियन फाइंड आउट करनी है। जो ही बेटा अपन मीडियन के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, मध्यिका के क्वेश्चंस करते हैं, तो हमेशा जो अंकड़ा गिवन आ उन्होंने इनक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर च ला लो, मीनस वाधे क्रम या घटते क्रम च। चलो मैं इनक्रीजिंग ऑर्डर च लाने बेटा, पहला इनू वाधे क्रम के सब तो समाल वैल्यू की है, समाल तो ग्रेटर वाल, ठीक है जी, मीन सब तो समाल 22, 34, 39, फिर 45 आएगा जी, 54, फिर 54 टू टाइम्स है, 56, 68, 78 एंड 84, ठीक है जी। हुण बेटा नूं सॉल्व किवें करना आपां, ईजी तरीका है, दोनों पासे वैल्यूज कैंसल करते जाओ। मीडियन मीन्स मध्यिका, सेंटर वाली वैल्यू, दिस वन दोनों पासे कैंसल करते जाओ। सेंटर च देखो दो वैल्यूज बच गई हैं, ठीक है, जे दो वैल्यूज बचन तो बेटा मीडियन किदा कढ़दे आं आपां, दोनों जोड़ के दो ते डिवाइड करना है, मीनस 54 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 2 किन्ना बन गया बेटा अपने को, 108 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 54। तो मीडियन मध्यिका किन्नी आ गई बेटा अपने को, 54। जे सिंगल वैल्यू बजे तो उही मीडियन होंदी है, ठीक है जी। देखो नैक्सट देखो बेटा, ये भी अपन ने मीडियन फाइंड करनी है, मध्यिका फाइंड आउट करनी है। सेम इदी बेटा इन इनक्रीजिंग ऑर्डर च लगाओ, वाधे क्रम के सब तो समाल कि बेटा देखो 6, फिर 8, फिर 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, फिर 19, फिर 20, फिर 20 है बेटा जी, 22, 25 एंड 30। सेम बेटा उदे दोनों पासे कैंसल करते जाओ, दिस वन इक्वल वैल्यूज दोनों पासे अपने कैंसल करनी है, ठीक है जी। हुण सेंटर च वैल्यू कितनी बन गई अपने कोल, बच गई जी 17, मीनस ये मीडियन कितनी आ गई बेटा 17, क्लीयर जी। नैक्सट बेटा अपने कोल मोड इज़ द मोस्ट फ्रीकुएंटली अकरिंग ऑब्जरवेशंस, प्रेखना जां अंकड़ा सब तो वध वार जिहड़ी प्रेखना आउंदा है उहनूं की बोलदे आं आपां, बहुलक, ठीक है। हुण देखो इहदे विच बेटा मोड फाइंड आउट करना आपां ने, बहुलक कढ़ना, इहदे सारे वैल्यूज देखो किहड़ी वैल्यू किन्नी वार आई आ, ठीक है जी। जिवें इहदे च देखांगे बेटा जिहड़ा 14 आ उह आया बेटा जी 4 टाइम्स, जिहड़ा 15 आ उह 5 टाइम्स आया होया, इहदे विच 16 आ वह 1 टाइम आया होया, 17 भी 1 टाइम आ, 19 2 टाइम्स आ, 20 ये 1 टाइम आ, तो सब तो वध वार वैल्यू कि आई है बेटा जी 15 की, मीनस यदा मोड बहुलक कि आ गया अपने कोल 15, क्लीयर जी। सिमिलरली बेटा ये क्वेश्चन का भी अपना मोड फाइंड करना है, बहुलक ये भी इदी काउंट करांगे, ये देखो 15 आ वह 4 टाइम्स आया जी, 18 1 टाइम आया होया, 19 3 टाइम्स आ, 23 1 टाइम आ, 24 1 टाइम आ जी, 26 1 टाइम, 29 1 टाइम, सब तो वध वैल्यू कि आई है बेटा जी 15, यदा मॉड कि आ गया अपने को 15। जे बेटा दो वैल्यू सेम आ जाए, मीनस 15 भी 4 टाइम्स आ गया, मान लो 19 भी 4 टाइम्स होंगे, तो ये दो मॉड होंगे 15 एंड 19, मॉड एक तो ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, क्लीयर जी। नैक्सट बेटा अपने को डे 64 का मीन ऑफ 100 नंबरस आर फाउंड टू बी 50, 100 संख्यावान का मध्यम दिता हुआ है बेटा 50 लभ्या गया सीगा, बट लैटर इट वॉज फाउंड दैट नंबर 150 वॉज रिटन एज 50 बाय मिसटेक, पर बाद विच ए देखा गया कि एक संख्या 150 नूं गलती नाल 50 दे तौर ते लिखा गया सी। फाइंड द करैक्ट मीन, सही मध्यम आपां ने फाइंड आउट करना है। देखो बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन आ, ध्यान ना देखो इनू जी, एद विच देखो टोटल नंबरस किन्ने ने, मैं एन रिप्रजेंट कर दी हाँ 100 ने, ठीक है, जिहड़ा मीन दिता होया उन्हें मैं एक्स बार ना रिप्रजेंट कर दी हाँ, किन्ना अपने कोल 50, ठीक है। तो एक नंबर गलती ना लिखा गया सी, लिखना किन्ना सीगा 150, लिखा किन्ना गया 50, तो पहला अपन सम कढ़ना पऊगा, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जरवेशनस, अपने को फार्मूला होंदा मीन दा, सम बटा नंबर ऑफ ऑब्जरवेशनस,
मीनस अंकड़ों का जोड़ बटा अंकड़ों की गिनती। ठीक है जी, हुण आपां सम फाइंड करांगे। मीन कितना अपने कोल 50, सम आपां कैलकुलेट करांगे जी। एन कितनी अपने कोल 100। ठीक है, बाय वन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तां सम कितना आ गया अपने कोल 50 × 100 मीनस 5000। ठीक है जी, तो अपने को सम कितना आ गया बेटा 5000। जिहड़ा ये सम आ ये की है, इनकोरैक्ट आ, मीनस गलत है। ठीक है, जिहड़ा जोड़ कढ़िया आपां ने ये, क्योंकि 150 लिखना सी, लिखा कितना गया 50। फिर आपां करैक्ट कढ़ांगे, करैक्ट सम कितना आ, सही। ठीक है, सही जोड़ वो किदा कढ़ांगे, जिहड़ा इनकोरैक्ट सी बेटा उहदे विच आपां देखो 50 गलत ना लिखिया सी ना, 150 लिखना सी, 150 उच ऐड कर दांगे जी, 50 आपां सबट्रैक्ट कर दांगे। ठीक है जी, तो देखो किन्ना आ गया आजू, ये 150 च ऐड कर दो, 50 सबट्रैक्ट कर दो, तो सही जोड़ आजूगा 5100। ठीक है जी, हुण आपां ने की करना, मीन, सही मीन जिहड़ा करैक्ट मीन आ, सेम उदी जिन्ना जोड़ आ 5100 डिवाइडेड बाय जिन्ने उहदे नंबर सी, नंबर किन्ने सी बेटा अपने कोल 100, गिनती कैंसल आउट, किन्ना बन गया 51, ते करैक्ट मीन किन्ना आ गया बेटा 51। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट है बेटा अपने कोल, एक ग्रुप के 10 विद्यार्थियों का मध्यमा जिहड़ा भार आ 45 किलोग्राम सी, एक विद्यार्थी ने ग्रुप छड़ के जान तो बाद यह मध्यमा भार 42 किलोग्राम रह गया, ग्रुप छड़न वाले विद्यार्थी का भार दसना आपां ने। मीन वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप वास 45 किलोग्राम्स, वन स्टूडेंट लैफ्ट दिस ग्रुप एंड नाउ द न्यू मीन वेट इज़ 42 kg, फाइंड द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लैफ्ट द ग्रुप। जिहड़े बच्चे ने मतलब ग्रुप छड्डिया आ उहदा आपां ने वेट कैलकुलेट करना, भार कैलकुलेट करना। सेम बेटा शुरू दे विच देखो किन्ने गिनती सीगी, नंबर किन्ने से अपने कोल 10 स्टूडेंट सीगे, तो मीन किन्ना सीगा अपने कोल 45। ठीक है, मीन्स पहला जोड़ किन्ना बन गया, सम किन्ना बनूगा 10 × 45, किन्ना बन गया 450 kg। टोटल जिहड़ा सारे स्टूडेंट्स का वेट सीगा 10 स्टूडेंट्स का किन्ना सीगा 450 kg। हुण देखो एक स्टूडेंट आ वो विचों निकल गया। ठीक है, तो अपने को नंबर किन्ने बच किन्ने स्टूडेंट्स रह गए 9, तो मीन किन्ना रह गया, मध्यमन किन्ना रह गया 42 kg। ठीक है, तो हुण सम किन्ना आऊगा, जोड़ सारे स्टूडेंट्स के भार का जोड़ 9 × 42। ठीक है, इन बेटा मल्टीप्लाई करो, देखो किन्ना आ गया थोड़ा 378 kg। ये 9 स्टूडेंट्स का भार आ, ये हैगा 10 स्टूडेंट्स का भार। ठीक है, इट मीन जिहड़ा स्टूडेंट लैफ्ट कर गया ग्रुप का उहदा वेट किन्ना आऊगा, 10 स्टूडेंट हुण लैफ्ट का ग्रुप उहदा वेट किन्ना आऊगा बेटा जी, दोनों की करांगे माइनस 450 − 378, क्योंकि वह निकल गया सी, किन्ना आ गया अपने को 72 kg, 72 किलो भार। क्लीयर जी। नैक्सट है बेटा अपने कोल, हेठा ये सारणी तो किसी फैक्ट्री के 60 कर्मचारियों की मध्यमन तनखाह पता करो। बेटा मीन सैलरी अपने ये फाइंड आउट करनी है, मीन फाइंड आउट करना, मध्यमन फाइंड आउट करना, इहदा तरीका हुंदा बेटा जी अपने कोल दिस वन। ठीक है, ये बेटा तुसी मान लो एक्स आई जो सैलरी गिवन आ, ये थोड़ी हैगी है एफ आई, तो आपां की फाइंड आउट करांगे, पहला एफ आई इंटू एक्स आई दोनों की मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 3500 × 16 किन्ना बन जाओ अपने कोल 56000, सेम मल्टीप्लाई करी जाओ बेटा दोनों, इन्हों मल्टीप्लाई करके आ जाऊगा 54000। ठीक है, नैक्सट आज बेटा अपने कोल 55000, नैक्सट आज बेटा अपने कोल 52000, नैक्सट बेटा जी 45000। ठीक है जी, नैक्सट आज अपने कोल 34000, नैक्सट आज बेटा अपने कोल 2500 अगे 10500। ठीक है जी,
उस तो बाद बेटा तुसी मीन कढ़ना आ, मीन दा फार्मा लगाऊंगे, ठीक है, मध्यमान दा समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, समीशन मीन जोड़, एफ आई एक्स आई का जोड़, यदा टोटल करोंगे ये थोड़ा आ जाऊगा बेटा 335000, ठीक है, 335000, क्लीयर जी। एस्टिमेशन ऑफ एफ आई दिस वन, यदा टोटल थोड़ा बेटा आ जाएगा 60, क्योंकि 60 वर्कर सीगे। हुण इहदे वैल्यूज पुट करके तुसी मीन फाइंड आउट करो, ये बन जूगा 3,35,000, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 60, इहनू 6 से डिवाइड करके बेटा थोड़ा आंसर आ जूगा 5,583.33, ठीक है रुपीस, क्लीयर जी। नैक्सट है बेटा अपने कोल दिस वन, ये भी बेटा तुसी मीन फाइंड आउट करना है, मध्यमन फाइंड आउट करना है, सेम इदी तुसी सॉल्व करना बेटा क्वेश्चन, ये इनू एक्स आई मान लेना, इनू एफ आई मान लेना, फिर एफ आई एक्स आई नाल इन्हों दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है जी। तो यदा आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर पाना। नैक्सट है बेटा अपने को त्रिभुजा की सरबंग समता के नियम दसो, राइट द क्रिटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। देखो बेटा अपन 9 पढ़े ने, हुण इस पहले देखो किहड़े किहड़े पार्ट्स इक्वल ने, एक तो देखो दोनों ट्रायंगल्स का एंगल किन्ना बेटा अपने को 90 डिग्री, ठीक है, जिहड़ा एंगल वाई आ वह किदे बराबर है एंगल एस दे, दोनों किन्ने ने 90 डिग्रीज, एक देखो वाई जैड है जिहड़ा वह किदे बराबर है, देखो एस टी दे, वाई जैड किदे बराबर है बेटा जी एस टी दे, ये अपन गिवन आ। सिमिलरली एक्स जैड है बेटा वह किदे बराबर आ आर टी दे, एक्स जैड इज इक्वल टू आर टी। हुण देखो राइट एंगल हो गया, आ बेस हो गया, मीनस एक साइड हो गई, तो आ की हो गया हाइपोटन्यूज करण, तो किहड़ा रूल लग गया आर एच एस मी समकोण कर्ण भुजा, राही दोनों ट्रायंगल्स की होंगे बेटा जी कोंगुरेंट, क्लीयर जी। नैक्सट बेटा अपने कोल जेकर दोनों ट्रायंगल कोंगुरेंट देखो गिवन ने, अपन दसना कि ट्रू आ, जो कोंगुरेंट ने बेटा जिमें ए इट मीनस पी दे बराबर होएगा, बी आओ क्यू दे बराबर होएगा, सी आओ आर दे बराबर होएगा, करसपोंडिंग पार्ट्स की होंगे ने जी इक्वल, देख कि ऑप्शन सही है ये इज इक्वल टू पी, क्लीयर जी। नैक्सट बेटा अपने कोल आर द गिवन ट्रायंगल्स आर कोंगुरेंट, चैक करने कोंगुरेंट हैगियां ने एक नहीं हैगियां। देखो बेटा ये की है, दोनों साइड जिहड़े गिवन ने उहदे सेंटर वाला एंगल पता होना चाहिए, ये जब दोनों साइड्स गिवन ने पर सेंटर वाला एंगल नहीं पता, पहला सेंटर वाला एंगल फाइंड आउट करो। देखो दो एंगल्स अपन पता ने, तो एंगल बी आप कढ़ सकते हैं 180 विचों, इन्हां दोनों नूं ऐड करके की कर देंगे जी सबट्रैक्ट, ये बन जूगा 180 - 120 किन्ना आ गया बेटा जी 60 डिग्री, दिस वन, क्लीयर जी। हुण दोनों ट्रायंगल्स देखो जिहड़ा ए बी आ साइड आ वह किहदे बराबर आ, देखो एक्स जैड ते, दोनों किन्ने ने 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। जिहड़ी बी सी साइड है बेटा वह किहदे बराबर आ, देखो वाई जैड दे, दोनों किन्ने ने जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। जिहड़ा एंगल बी आ वह किहदे बराबर आ, देखो एंगल जैड दे, दोनों किन्ने दे ने 60 60 दे, साइड्स दे विचकार वाला एंगल लेना। उस तो जब रूल लिखना बेटा जी, हुण देखो मैंने पहला 4 वाले चक्या, फिर 5 वाला, एक सेंटर वाला एंगल हो गया 4 5, सेम पैटर्न रखना तुसी ने, मीनस आपां लिखांगे देखो एक एंगल हो गया, दो साइड्स हो गई, एस ए एस कोंगुरेंट रूल लग गया, तो ट्रायंगल जिहड़ी ए बी सी आ वह कोंगुरेंट आ गई बेटा, ट्रायंगल किहदे एक्स जैड वाई दे, क्लीयर जी, सेम पैटर्न फॉलो करना है। नैक्सट है बेटा अपने कोल ये भी चैक करना भी कोंगुरेंट हैगियां ने एक नहीं हैगियां, तो दसना रूल केड़ा आ, ये भी देखो बेटा एक जिहड़ा एंगल क्यू आ वह किहदे बराबर है एंगल एन दे, ठीक है, ईच 90 डिग्री, तो पी आर किहदे बराबर है एम एन दे, ये की बन गया हाइपोटन्यूज करण,
तो बेटा क्यू आर कि बराबर है एन एल दी, ये की बन गई एक साइड बन गई। ठीक है, तो कि रूल लग गया बेटा आर एच एस समकोण करण भुज, तो सेम पैटर्न लगाओ। देखो मैं जल मैं इधर काउंट कर दी, जे फाइव तो थ्री वाल, इधर भी फाइव तो थ्री वाल, मीनस पी आर क्यू जी ट्रैंगल आ वह कोंगरट आ ट्रैंगल एम एल एन दे। क्लीयर जी? थैंक्स बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। नैक्सट बेटा नैक्सट वीडियो करांगे। थैंक्स बेटा जी।